अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 5 मरला का मॉडर्न डिजाइन में बनाया हुआ घर है और इस घर की लोकेशन DHA फेस 9 है। और आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें, इसमें सारी केले की टाइल आपको मिलेगी ऑफ वाइट कलर में। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये घर डिज़ाइन किया गया है। स्पॉट लाइट LED लाइट इसके एलिवेशन में है। आपके पास ये टेरेस है और नीचे बहुत खूबसूरत इसमें ब्लैक कलर में कोडिंग की गई है। इस साइड पे इस घर का आउटर कोर्टयार्ड है जिसमें 3 एक लार्ज साइज के इसमें पाम ट्रीज लगाए गए और यू कैन सी इनका साइज देखें और क्या खूबसूरती, एक अलग लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये घर है। इसमें जितनी भी टाइल इस पूरे घर में लगी हैं और जितनी भी अप्लाइंसेस इंस्टॉल्ड हैं वो सारी की सारी इंपोर्टेड है और 5 मरला का ये घर है। और इस घर की डिमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इसमें अगर कोई प्राइस अपडेट हो तो वो फिर हम उसको चेंज कर सकें। इस साइड पे इस घर का रैंप है और रैंप के ऊपर कम्प्लीटली टाइल यूज है और 2x2 की इसमें रैंप में टाइल रखी गई है। और ये साइड आपके पास ग्रे नाइट है और ब्लैक कलर में इस घर का गेट है एंड यू कैन सी। और इस साइड पे अगेन इसका आउटर कोर्ट यार्ड देख लें जिसमें स्पॉट लाइट इसके आउटर कोर्ट यार्ड में और प्लांट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से लगाए गए हैं। इस साइड पे जी है इसका गैरेज। गैरेज में एक बड़ी गाड़ी आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। इसकी जो बाउंड्री वॉल है इसमें भी जो टाइल यूज़ की गई है इम्पोर्टेड केले की टाइल यूज़ की गई है। 2 प्लांटर्स हैं आपके पास, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और सामने आपके पास ये सारी गैरेज में भी इस ये टाइल है और इस साइड पे भी आप देखें कितनी खूबसूरत टाइल लग रही है। इस साइड पे जी इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है और इनर कोर्ट यार्ड में भी टाइल वर्क आपको मिलेगा और 2 प्लांटर्स यहाँ पर भी आपको मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो डोर की क्वालिटी है ये एशवुड यूज है और हाई क्वालिटी डोर जो है वो इस घर के रखे गए हैं। ग्रे नाइट यूज है इसके फ्लोर में। टोटल इस घर में 3 बेड है, 1 बेड नीचे और 2 ऊपर। और सामने इसका 10 फीट हाइटेड, आई थिंक 10 या 11 फीट हाइटेड ये डोर है जिसमें एशवुड है और इस साइड पे ग्लास आप देखिए इसमें यूज किया गया है। और 3 से 4 फीट का इसका तो एक हैंडल ही आपको मिलेगा इस पूरे डोर का। घर में जैसे एंटर होंगे तो सामने आपको इस घर का टीवी लाउंज एरिया वेलकम करेगा और इस साइड पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और इसमें जो पेंट किया गया है बहुत खूबसूरत और इटालियन पेंट इस घर में लगाया गया है, बहुत खूबसूरती से पेंट किया गया है। ऊपर शैंडलियर देखें और इसका साइज देखें। इस साइड पे जी आपकी ड्राइंग स्पेस है, नीचे आपके पास कंसोल है जिसमें ग्लास यूज है, वुडन का काम है। और इस साइड पे बड़ा खूबसूरत आपके पास एक मीडिया वॉल दे दी गई है जिसकी दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास वुडन का काम है और पीछे स्ट्रिप लाइट इसकी मीडिया वॉल में। ये आपके पास 10 फीट हाइटेड विंडो है जहाँ से आप इसके इनर कोर्ट यार्ड का व्यू ले सकते हैं। और इस साइड पे रॉयल फैन इंस्टॉल है इसकी सीलिंग में और यहाँ से आप इसके चेक करें इसके ड्राइंग स्पेस। इसमें 3x6 की टाइल यूज है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है इसके फ्लोर में। और इस साइड पे जी है इसका छोटू सा पाउडर रूम जिसमें वॉल हैंग कमोड मिलेगा, आपको वैनिटी सेटअप मिलेगा और इसमें भी जो अप्लायंसेज हैं ये सारी इंपोर्टेंट इंस्टॉल हैं। और इस साइड पे जी है इसका स्टेयरकेस। और अभी तक मैंने जितने भी 5 मरला के घर शूट किए हैं इसका स्टेयरकेस सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक है। आपके पास वुडन का काम है और ये सारा वुड है और इस साइड पे ग्लास इसमें यूज है। और एक आपके पास बहुत ही खूबसूरत इसकी लॉबी का व्यू है, यू कैन सी कि ये आपको टेरेस तक यहाँ से व्यू आपको नजर आता है और एक कम्प्लीट विंडो सेटअप है इसमें जहाँ से आप बाहर का भी व्यू आसानी से ले सकते हैं। सामने इस घर का किचन है और इसकी जो यूवी शीट है किचन की बहुत खूबसूरत रखी गई है। ऊपर आपके पास सारा ग्लास वर्क है और इस साइड पे जी आपके पास यूवी शीट्स का कलर बहुत प्यारा है। ये आपका जी स्टोव है और ऊपर आपके पास एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये आपका डिशवॉशर एरिया है और बहुत खूबसूरती से इसमें काम किया गया। और यहाँ पे आपके पास एक एक्सेस है आपको बाहर वाली साइड पे भी। और यहाँ पे देखें कि आप लॉबी से एक ग्लास है जिसमें व्यू आता है आपके किचन का भी। इस साइड पे जी इस घर का है बेडरूम नीचे वाले पोर्शन का एंड यू कैन सी ये सामने बहुत खूबसूरत ग्लास वर्क है। इस साइड पे आपके पास क्लोजेट एरिया है जिसमें ग्लास और वुड का काम है और स्विचेस जो हैं वो इस घर में बड़े हाई क्वालिटी के रखे गए हैं। 8 फीट हाइटेड इसके बेडरूम का डोर है। और इस साइड पे जी है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में आप एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगी फ्लोटिंग वैनिटी। इस साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और पीछे जो टाइल है वो इंपोर्टेड टाइल यूज की गई है। इस साइड पे टिंटेड ग्लासेस हैं और ये है जी आपका शावर कैबिन, रेन शावर कैबिन। और इस साइड पे आपके पास स्मार्ट मिरर है जिसमें स्ट्रिप लाइट इसकी बैक साइड पे स्मॉल लाइट जो है
यूज की गई है और बहुत खूबसूरत इसका वॉशरूम है। अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के अपर पोर्शन की तरफ, जहाँ पे आपको जकूजी मिलेगी इसके एक बेडरूम में, और बहुत खूबसूरत इसका प्रपोर्शन है। दो बेड हैं, वहाँ पे हम विजिट करेंगे। और इसका जो रूफ है, रूफ टॉप, उसकी सिटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यू कैन सी कि वो कितना खूबसूरत है इसका रूफ भी। ऊपर वाले पोर्शन में ये आपके पास टीवी लाउंज स्पेस है, सामने आपको स्ट्रिप लाइन मिलेगी इसकी टीवी लाउंज की मीडिया वॉल में। नीचे कंसोल है, वुडन का काम है, वॉलपेपर का बहुत अच्छा यूज है। और इस साइड पे आपके पास एक फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग और एलईडी लाइट इसके रूफ में यूज है। रॉयल फैन इंस्टॉल्ड है और यू कैन सी कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये आपका टीवी लाउंज एरिया। और एक किचन इसके अपर पोर्शन में भी दे दिया गया है, सेम किचन जैसे नीचे है। थोड़ा सा साइज इसका कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन आप वैसे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा किचन है और बहुत ही अच्छा टॉप नॉच इस किचन में भी काम किया गया। स्टोव और आपके पास एग्जॉस्ट है, सामने डिश वॉशर एरिया। एंड यू कैन सी यहाँ से आप पूरे किचन की यूवी शील्ड्स और इसका थीम चेक करें। इस साइड पे जी आपका सेकंड बेडरूम है, एक बेड नीचे था और ऊपर टोटल तीन है, तो ये सेकंड बेडरूम है। आपके पास क्लोजेट एरिया है और ये साइड आपके पास वॉलपेपर, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और सामने आपके पास मास्टर वॉशरूम जिसमें वॉल हैंग कमोड है। आपके पास शावर कैबिन है, टिंटेड ग्लासेस जिसमें यूज है, और इस साइड पे आपका फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है और बहुत खूबसूरत इसकी वैनिटी है, और कंप्लीट इम्पोर्टेड टाइल इसमें यूज की गई है। अब आगे बढ़ेंगे इसके अपर पोर्शन का जो मास्टर बेडरूम है उसको दिखाऊंगा। तो ये इसका अपर पोर्शन का मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले 10 फीट हाइटेड आपके पास लार्ज साइज की विंडो है, नीचे आपके पास ये सारा टेरेस एरिया है। एंड यू कैन सी सामने आपके पास लेजर लाइट है इसकी फीचर्ड वॉल में, और ये आपके पास क्लोजेट एरिया है जिसमें ग्लास और वुड का काम बड़ी खूबसूरती से किया गया है। 10 फीट हाइटेड इसका डोर है, ऊपर रॉयल फैन इंस्टॉल है, और सामने इसका है वॉशरूम। वॉशरूम एंटर होंगे तो आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी है, ऊपर बहुत खूबसूरत आपके पास स्मार्ट मिरर है, और ये है जी आपके पास ब्लैक थीम में जैकूजी और वॉल हैंग का मोड, कैले की अप्लाइंसेस इसके इस वॉशरूम में इंस्टॉल्ड है। और सामने आपके पास ये आपका शावर कैबिन है, रेन शावर कैबिन। एंड यू कैन सी ये काफ़ी इसकी अच्छी हाइट है, और ये आपके पास वेंटिलेशन के लिए इस वॉशरूम में भी विंडो है। एंड यू कैन सी दूसरी साइड पे भी है। अब मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के अपर पोर्शन की तरफ, और ऊपर ही आपके पास स्टोर एरिया है। ममटी ने इसमें दे दिया, डीएचए ने अपने बायलास चेंज किए और वो अक्सर करते रहते हैं। इस साइड पे जी आपका सारा स्टोर एरिया है, और इस डोर से आप लेते हुए इसके रूफ पे आ जाते हैं, और रूफ टॉप सिटिंग देखें कि आपको सिंथेटिक ग्रास मिलेगी। दो प्लांटर्स इस साइड पे हैं, ये आपकी बारबेक्यू स्पेस है। ग्लास यूज है इसकी वॉल में, ये यू कैन सी ये सारा ग्लास है और अच्छी क्वालिटी का ग्लास है। प्लांटर है ऊपर आपके पास, इसमें एलईडी लाइट दे दी गई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। रात को जब ये लाइट चलेगी तो एक बड़ी अच्छी एम्बियंस क्रिएट होगी इसके रूफ टॉप की। इस साइड पे भी आपके पास प्लांटर है, और नीचे सिंथेटिक ग्रास है, और ये है कि आपका वाटर टैंक। ये घर फॉर सेल है, अगर तो आप ये घर बाय करना चाहते हैं, इस घर को विजिट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।